तो जरा चैन की नींद आएगी नहीं तो रखूं रखूं खपे खपे में गोलियां खा खा का, कर खप रहे हैं विदेशी लोग अट्ठानवे प्रतिशत नींद नहीं आती ये आपका भी मंगल करेगा जिससे मिलोगे उसका भी मंगल करेगा देश का मंगल करेगा विश्व मानव का मंगल कर सकता है ये वेदांत का सिद्धांत है मेरे घर का नहीं है इस सिद्धांत को जिसने भी आत्मसात किया वे दुखों से पार हो गए अज्ञान से पार हो गए तो एक सेठ था उसको नींद नहीं आती थी और उसके मकान के नीचे मोची था और खूब गीत गाता था सेठ ने देखा कि ये तो मोची कमाता खाता और गीत गा रहा है और मेरे पास इतना सारा है कुछ मेरे को नींद भी नहीं आती मुनीम सयाणा था बोले सेठ जी आपके पास चंचला है उसके पास अचला है खाया पिया तो रही तो कर सोया अगर उसके पास भी चंचला आ जाए तो सेठ जी उसके गीत भी बंद हो जाएंगे बोले कैसे बोले सेठ जी जरा पैसे भेज के देखो सेठ ने सौ रुपया मोची को भेज दिया वो जमाना चांदी का रुपया था आए सौ रुपया मतलब आज के ज़माने का तो कितना हो गया दस हजार रुपया बीस हजार रुपया हो गया एक किलो चांदी का तो।, तो उसने देखा कि अरे सौ रुपया तो आ गया है <laughs> <laughs> अभी सौ रुपया को खर्चेंगे तो अपन फिर कंगाल हो जाएंगे अभी सौ रुपये को कैसे ब्याज पे लगाएं कि धंधा करे क्या करे उस चिंतन चिंतन में मोची की बुद्धि हो गई जड़ आक्रांत और फिर मोची जो खुशी से गुनगुनाता था गीत गाता था कोयल का आवाज़ कब प्यारा होता है खा पी के तृप्त होती है तब टूंग लेती है स्वाद आता है पक्षी कब गीत गाते हैं हैं है और कोई अधिकारी के पास ऑफिस में मिलने जाओ ने तो देखना उसका लंच का टाइम हुआ है तो मत जाना लंच करके बैठे तब जाना तो कुछ पॉजिटिव लिखेगा शेर भी जब खा पी कर होता है तब बड़ा काम देता है और भूखा होता है तो बड़ा आराम होता है तो महाराज इसकी भूख बढ़ गई किसकी मोची की ओ उसका गाना भी गायब हो गया और हंसना भी गायब हो गया और धीरे धीरे रात को भी स्वप्न आए कि सौ सव का सवा सौ फिर डेढ़ सौ होगा फिर पौने दो सौ दो सौ करूँगा फिर ये करूँगा वो करूँगा अरे भविष्य देखा नहीं और भविष्य की खाई में कूद रहा है क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कछु दे छोड़ के मरना है तो देना सिख तो जरा चैन की नींद आएगी नहीं तो रखूँ रखूँ खपे खपे में गोलियाँ खा खा कर खप रहे हैं विदेशी लोग अट्ठानवे प्रतिशत नींद नहीं आती सौ में से अट्ठानवे लोग अनिद्रा के रोगी हैं और जैसे तुम चने ममरे खाते हो ऐसे वे लोग सुबह से रात तक गोलियां फाकते टेबलेट फाँकते, क्या क्या करते फिर भी निरोग नहीं रहते मैं ये सिद्धांत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जो करते हैं घूम फिर के आपके पास आता है अनंत गुना होकर और आपके स्वभाव में जो है वो करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और सब खुश रहेंगे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपका स्वभाव है सत्य सत्य माना पहले थे अब भी हैं मरने के बाद भी रहेंगे ये आपका स्वभाव है और शरीर का स्वभाव है मिथ्या जन्म के पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा शरीर का स्वभाव आपका स्वभाव नहीं आपका है आपका स्वभाव सत्य है स्वभाव शरीर का स्वभाव मिथ्या है आपका स्वभाव चेतन है शरीर का स्वभाव जड़ है हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं लेकिन आपको पता है ये हाथ है ये बात नास्तिक को भी माननी पड़ेगी किसी भी मत पंथ मजहब वाले को यह बात माननी पड़ेगी आपका स्वभाव सत्य है चेतन है शरीर का स्वभाव मिथ्या और जड़ है ये मानना ही पड़ेगा फिर आपका स्वभाव आनंद है और शरीर का स्वभाव दुख रूप है बापू जी हो चाहे बापू जी के बापू जी हों शाह जी बापू मेरे गुरु कितना भी शरीर को खिलाओ पिलाओ नलाओ दुलाओ सीजन के अनुरूप खाओ पियो, फिर भी एक कहीं ना कहीं कभी खांसी तो कभी गर्मी तो कभी काले बाल सफ़ेद तो कभी बुढ़ावा तो कभी हवा मान की असर तो कभी पोल्यूशन के असर अंत में देखो तो <laughs> <laughs> क्या हो गया बोले उम्र हो गई ना उम्र हो गई आखिर क्या दुख की खबर देगा तो शरीर है मिथ्या जड़ और दुख रूप आत्मा है सत्य चित्त और आनंद रूप तो ये आपका स्वभाव है सत्य चित्त आनंद रूप अर्थात मरने के बाद भी आप रहने वाले हैं इसलिए मरने से डरो नहीं और दूसरों को भयभीत करो नहीं ये आपका भी मंगल करेगा जिससे मिलोगे उसका भी मंगल करेगा देश का मंगल करेगा विश्व मानव का मंगल कर सकता है यह वेदांत का सिद्धांत है मेरे घर का नहीं है इस सिद्धांत को श्री कृष्ण ने आत्मसात किया था शिवजी ने आत्मसात किया है लीलाशाह बापू ने आत्मसात किया था तुकाराम ने आत्मसात किया था एकनाथ ने आत्मसात किया इस सिद्धांत को जिसने भी आत्मसात किया वे दुखों से पार हो गए अज्ञान से पार हो गए चिंताओं से पार हो गए बोलो तो आप सत्य हैं तो मरने से डरिए नहीं और दूसरे को डराइए नहीं किसी भी ढंग से अरे 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 क्या हुआ तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट नहीं 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 भैया देखो एक खबर है आप हिम्मत रखना एक्सीडेंट तो कईयों के होते हैं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं लेकिन आज थोड़ी ऐसी खबर है मुझे तो लगता है कि आप हिम्मत रखेंगे आपके बेटे का जरा सा थोड़ा बोले क्या क्या वही डरिए मत बेटे का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसका दायाँ पैर ठीक है बाहिया भी ठीक है आंखें भी ठीक है सिर भी ठीक है केवल बाह पैर में फ्रैक्चर हो गया और वो भी ठीक हो जाता है तो आपने खबर देते समय दूसरे को दुख से मुक्त करने की तपस्या कर ली सेवा कर ली उसको डर से बचाया अरे अरे क्या कहूँ अरे मोहन तुम्हारे हे, 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 क्या हुआ अरे मैं क्या बताऊँ तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है अरे मूर्खनंदन महामूर्ख तू दुखी हो रहा है उसको दुख के खाई में बिगाड़ रहा है यह आपका आचरण आपने लिए दूसरों के लिए हानि करता है व्यवहार कैसे करना यह सत्संग सिखाता है जयराम जी बोलना पड़ेगा तो आप सत्य हैं तो न मरने से डरिए न दूसरे को डराइए आप चेतन है न दूसरे अपना आप ना आप बेवकूफ़ बनिए न दूसरे को बनाइए न आप दब्बू रहिए न दूसरे को दब्बू बनाइए आप आनंद स्वरूप हैं तो आप प्रसन्न रहिए और दूसरों के लिए भी खुशियों के खजाने खोलिए